इंद्री में बिजली कर्मचारियों पर नई तबादला नीति लागू करने के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों द्वारा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन बिजली विभाग इंद्री के SDOP को सौंपा गया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बताया कि हरियाणा के बिजली निगमों में प्रदेश सरकार की तबादला नीति की तर्ज पर तबादला नीति को लागू किया जा रहा है, जो कि गलत है। इस नीति को लागू करने के कई दुष्प्रभाव होंगे, जिनके विरोध में आज सब यूनिट स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली निगमों में LT व HT की लाइनें हैं। इन लाइनों की रूपरेखा जानने व उन पर काम करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को लंबे अनुभव की आवश्यकता है। इन पर अनुभवी कर्मचारी ही काम कर सकता है। वहीं बिजली विभाग में लाखों की संख्या में ट्रांसफर पर लगे हुए हैं। बिजली की लाइनों व ट्रांसफार्मरों में कई संवेदनशील बिंदु होते हैं, जिन पर अनुभवी व क्षेत्र के जानकार कर्मचारी ही काम कर सकते हैं। बिजली घरों की बढ़ती संख्या के कारण अनुभवी जानकार कर्मचारी ही इस व्यवस्था को सुचारू व सुरक्षित तरीके से चला सकते हैं। मलकीत सिंह ने कहा कि कई बार कर्मचारियों को चालू लाइन में काम करना पड़ता है, ऐसे में अनजान कर्मचारी से गलती हो जाती है, जिसके बाद कई बार दुर्घटनाएं होने का डर रहता है। आज ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के केंद्रीय कमेटी के निर्णय के अनुसार निगम मैनेजमेंट द्वारा जो तबादला नीति बनाई गई है, ऑनलाइन तबादला सभी कर्मचारियों को करने की, उसके विरोध में आज SDO के माध्यम से CS पावर को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। और इस नीति का हम विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 5-5, 6-6 लाइनों की क्रॉसिंग होती है, और वो क्रॉसिंग अगर एक लाइन चालू करवानी फॉल्ट निकालना पड़ जाए तो 4-4, 5-5 लाइनें बंद करवानी पड़ती है। और कौन सी लाइन कहाँ से गुजरी है, केवल अनुभवी कर्मचारी जो पुराने समय से काम कर रहे हैं उनको इसकी जानकारी होती है। दूसरा, जो ट्रांसफार्म पूरे हरियाणा के अंदर, गाँव गाँव अंदर, शहरों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर ट्रांसफार्म जो रखे गए हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, जो कर्मचारी कई कई साल से वहाँ काम कर रहे हैं उनको उन ट्रांसफार्मरों की, उनकी लाइनों की जानकारी है। अगर नए कर्मचारी वहाँ के काम करेंगे तो काम में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट बढ़ने की संभावना रहेगी। तीसरा जो कारण है हमारा कि जो गांव के अंदर, शहरों के अंदर, जिसके ऊपर निगम मैनेजमेंट ने पूरा जोर दे रखा, सरकार ने पूरा जोर दे रखा कि डिफॉल्टिंग अमाउंट क्लियर करी जाए, मतलब गांव के अंदर जो कर्मचारी शहर के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको लगभग ज़्यादा नहीं, कम से कम 70-80% लोगों के एड्रेस मालूम है, जिनके पास डिफॉल्टिंग अमाउंट रुकी हुई है, तो कर्मचारी जल्दी जाके उनके पास जाके उसकी रिकवरी कर सकता है। लेकिन नया कर्मचारी जब बदली होकर आएगा तो वो इतनी जल्दी कार्य नहीं कर पाएगा और निगम को आर्थिक नुकसान इसको होगा। सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, जो हमारे कर्मचारी लाइनों पर बिना अनुभव के काम करेंगे, उससे कर्मचारियों का अंग भंग होने की और जान जाने के जो मामले बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए ऑल इंडिया पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसका विरोध करती है और निगम मैनेजमेंट से मांग करती है कि इस नीति पर रोक लगाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.